देख रहे हैं आपका अपना टालीबीव्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात करने जा रहे हैं कलर्स टीवी के द मोस्ट पॉपुलर शो मंगल लक्ष्मी की, जहां की कहानी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि यहां पर सौम्या जानबूझकर सभी घर वालों के सामने ये बताना चाहती है कि आदित्य उससे प्यार करता है, आदित्य मंगल से प्यार नहीं करता है, वो मंगल से शादी नहीं करना चाहता है दोबारा और ना ही इस शादी को निभाना चाहता है। वो मंगल से छुटकारा पाकर सौम्या को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है और ये सब बताने के लिए सौम्या ने बहुत ही सोची समझी साजिश को अंजाम दिया है। घर वालों को इस तरह से ऐसी जगह बुलाया है जहाँ पर घर वाले खुद रंगे हाथों आदित्य को पकड़ ले सौम्या से अपने प्यार का इजहार करते हुए और मंगल की काफी सारी बुराई करते हुए, और ऐसा ही होने वाला है सीरियल के आगे आने वाले ट्रैक में, जहां आप देखने वाले हैं कि किस तरह से अब हमारी सौम्या जो है आदित्य से अकेले में मिल रही होगी, वहां पर मंगल को भी बुलाया हुआ है उसने, उसकी फैमिली को भी और आदित्य की फैमिली को भी, यहाँ पर सब लोग पहुंच गए और वहां पर देखने को क्या मिलता है कि आदित्य जो है ना यहाँ पर सौम्या को प्रपोज कर रहा है, उसके लिए उसने स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, जहाँ वो सौम्या को रिंग पहनाकर उसे अपने दिल की बात कहकर उसे अपना बनाने वाला है, और यहाँ पर ये सब चीजें ना रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पर सौम्या को रिंग पहनाते हुए आदित्य को देख लेगी मंगल, कुसुम और सभी घर वाले, और इसके बाद मंगल का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाएगा और वो घर छोड़कर जाने का फैसला करेगी, लेकिन तभी वहाँ कुसुम आएगी और कुसुम जो है ना मंगल को हिम्मत देगी, ताकत देगी, हक देगी कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके बाद वो बोलेगी कि घर छोड़कर तुम नहीं जाओगी, वो जाएगा जिसने गलती की है, उसे एहसास होना चाहिए कि फैमिली क्या होती है, पति क्या होता है, पत्नी क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप क्या होते हैं, तो ये अब तुम उसे सिखाओगी और इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद यहाँ पर कुसुम उसे काफ़ी कुछ साइलेंटली तरीके से समझाती है, और उसके बाद जैसे ही मंगल अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो आकर आदित्य और सौम्या को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकालती है, जिसके बाद आदित्य और सौम्या दोनों के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर आदित्य अपना हक जताता है कि ये मेरा घर है, तुम कौन होती हो मुझे निकालने वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जहाँ पर कुसुम और उसके ससुर जी दोनों जो है ना यहाँ पर मंगल के साथ खड़े होते हैं और कहते हैं ये हमारी बेटी है, हमारी बहू है और इसका भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा हक है इस घर पर। तो बहुत अच्छा होने वाला है आगे आने वाला सीक्वेंस, जरूर देखिएगा।